जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। यहां पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, फौजी बैच जो है आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, लाइव क्लास चलेंगी इसमें। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 350 में ये आप लोगों के लिए बैच है। ठीक, यह है आपके सामने पहला प्रश्न, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और उसके बाद बताइए कि जो इसका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की फिल इन द ब्लैंक्स अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है 5वीं, 10वीं, 6वीं और 4वीं। द फिल इन द ब्लैंक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो, मूल संविधान जो था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, वर्तमान में है 12। तो जो 12 अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची में क्या है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है ना। ये जो 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों में कौन सा क्या है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है, बताइए, है ना। अगर मैं बात करूं आपका इसका, तो जो पूछना चाह रहा है वो ये कि आपको यह बताना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये वो राज्य हैं, या इन जो राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं ये इनके जो क्षेत्रीय प्रशासन है या जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो किसमें है वो आपको बताना है। गया, गौतम, आशीष, सुधीर, संदीप, चांदनी, अर्चना, किट्टू, प्रतिमा, यशिका, शिवानी, राखी, रतन, रैंकर, आकाश, बेहरा, शिवानी, सौम्या, योगेश, पल्लवी, सुधीर, कृष्णा, अर्चना, चांदनी, अमरेश, नीलम, देव, अमन, ज्योति, पूर्वी, चंदन, माधव, नेहा, प्रियंका, गुलाब। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको देखो, इस क्वेश्चन को टालना नहीं है, तुम क्वेश्चन को टालने लग जाओ कि 1 से 12 तक नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा। होगा ये कि ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, जो कि आता है, अनुसूचियों से क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है, आपको इन्हें जरूर याद रखना है और आपके एग्जाम में ये आएगा तो ये भी याद रखना, ठीक है। असम, मेघालय, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो यह किस अनुसूची में है, तो याद रखना यह है 6वीं अनुसूची में। किसमें? AMTM जो है
या किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा यह है आपकी छठी अनुसूची में, ठीक है। पांचवी में क्या है, तो याद रखिएगा इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है ना उनके प्रशासन की बात की गई है। अगर मैं दसवीं की बात करूं तो इसमें है दल बदल कानून, क्या है इसमें है आपका दल बदल कानून, ये याद रखिएगा। चौथी में है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन क्या है, राज्यसभा के लिए जो सीटों का आवंटन है वो किसमें है, वो है आपकी चौथी में, ये याद रखना, ठीक है। पहले में क्या है, पहले में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। इसमें क्या है जो आपकी अनुसूची दो है, अनुसूची दो 11 में पंचायत है, ठीक है। अनुसूची दो में क्या है, अनुसूची दो किससे संबंधित है, ठीक है। बढ़िया, वेतन और भत्ते, इसमें वेतन और भत्ते जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जैसे महान्यायवादी हो गए, है ना, या कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग अगर वो हो गए, है ना, इन सबके वेतन वगैरह की बात है। इसमें है आपका शपथ, ये हो गए। सात में क्या है, इसमें है आपका विषयों का बंटवारा, क्या है विषयों का बंटवारा है इसमें। आठ में क्या है, तो याद रखना है इसमें है आपका भाषाएं, ठीक है। नौ में क्या है, तो इसमें भूमि सुधार के बारे में बात की गई है, ठीक है। दस में दल बदल कानून हो गया, ग्यारह में ग्राम पंचायत है, क्या है ग्राम पंचायत है आपके ग्यारह में। बारह में क्या है, तो याद रखना जो बारह है इसमें है आपका नगर पंचायत, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका नगर पंचायत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिहत्तर में संविधान संशोधन 1992 में या 92 के द्वारा भारतीय संविधान में फिल इन द ब्लैंक शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड था वो, न्यायपालिका पंचायत या सदन। बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एन आर्टिकल 9 टाइटल्ड फिल इन द ब्लैंक्स वाज एडिटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कवर्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243 टू 243 ओ, 243 से 243 ओ तक के जो प्रोविजन कवर करता है वो इनमें से कौन सा है वो बताना है ना, बताओ जरा कौन सा है, ठीक। फौजी बैच नहीं खुल रहा, वो खुलेगा भी नहीं ना, अभी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वाला बेटा, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वो, है ना, किससे 1 नवंबर से, ठीक है। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका पंचायत, क्या हो जाएगा, हाँ तो उसमें मेरा नुकसान थोड़े ही है, तुम क्लास छोड़ के भी चले जाओ तो मेरा नुकसान नहीं है, तुम तो बस ये कह रहे हो कि तुम आंसर नहीं दोगे, तुम क्लास भी छोड़ के चले जाते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक। आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो नेशनल इंपॉर्टेंस है उसके नाम से, या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं आप कह सकते हो, या जो स्मारक है उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, यह इनमें से किस एक आर्टिकल में है, है ना, बताओ जरा क्या हो जाएगा, ठीक। 48, 48A, 49 और आपका 50, शौक से जाओ। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो ये, अगर ये चारों देखे आपने तो ये चारों डीपीएसपी हैं, क्या है, अगर ये चारों अगर आपने नोटिस किए हो तो ये चारों जो हैं ये क्या हैं, ये डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी आपके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, जिसमें 36 जो है ये डीपीएसपी की परिभाषा बताता है, डेफिनेशन,
ठीक है। 51 क्या है? यह इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, इन दोनों के पृथककरण की बात करता है, है ना? न्यायपालिका और जो आपका कार्यपालिका है उसके पृथककरण की बात करता है। देखो बात को समझो, है ना, क्या कह रहा है? एक तो यह बता रहा है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वो किस आर्टिकल में है। देखो बेटा ऐसा है कि आप ना क्लास करने आए हो, है ना, स्पेशली चूंकि आपका एग्जाम आ रहा है दिल्ली पुलिस का भी, शायद 20-25 दिन बाद एग्जाम है आपके दिल्ली पुलिस का। यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी है, ऐसा भी है कि यह क्वेश्चन जो है आपके जीडी में भी आ जाए, और जीडी का एक बड़ा एग्जाम है, उसकी डेट भी आ गई है कि कब से वो एग्जाम होना है ना। टाइम आपके पास कम है, और ऐसे में यहां आके आप सिर्फ यह कह रहे हो कि मेरा नाम नहीं लिया, है ना, मैं तो चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो प्रेम से जाओ, रोक नहीं रहा। यहां सिर्फ उन्हीं को रुकना जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या जिनको अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना है ना। अगर तुमको हर साल यही खेल खेलना है कि फिर से आ गए, देखो जीडी का एग्जाम आ गया तो हम भी आ गए, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अच्छा यह रहेगा कि जितना जल्दी हो सके क्लास लो, क्वेश्चन लो, पढ़ो, रिवाइज करो, नौकरी लो और मजे करो, है ना, या फिर ऐसे ही साइकिल में घिसते रहो, इच्छा तुम्हारी। ठीक, यह क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, तो याद रखना इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो ये पूछ रहे हैं, ये है आपका आर्टिकल 49। क्या है? आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 48 और 48A में क्या है वो आपको बताना है ना। महात्मा गांधी ने फिलिंग द ब्लैंक्स अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, महात्मा गांधी ने इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी वो आपसे पूछ रहा है ना। स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ग्लोबल। महात्मा गांधी एडवोकेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स इकोनॉमी, महात्मा गांधी जिस तरह की इकोनॉमी चाहते थे, है ना, वो कौन सी है वो आपको बताना, किस तरह की इकोनॉमी में की सलाह उन्होंने दी थी या किस तरह की इकोनॉमी में वो इंटरेस्टेड थे, ये आपको बताना। बढ़िया, चलो ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ये थे विकेंद्रीकृत, क्या थे, विकेंद्रीकृत। क्वेश्चन पूछा था मैंने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथककरण किस आर्टिकल में है, वो आपको जवाब देना था, उसका क्या हो जाएगा। उसमें ऑप्शन डी था एक आर्टिकल 50, उसी में है ना। अगर बात की जाए आर्टिकल 48A की, आर्टिकल 48A क्या है, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइज या आपका विकेंद्रीकृत। ठीक है, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित, इसमें इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, इनमें से कौन सा एक है जो बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सुधार लिए गए थे उनमें से, और जो सुधार लिए गए थे उनमें से इनमें कौन सा एक नहीं है। ठीक, अच्छा बताए तो हो सकता है मैं ध्यान नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं। आगे, घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनिमय और नई पीढ़ी बैंक और वर्धित यानी कि इनहेंस्ड SLR, इनमें से कौन सा एक है जो बैंकिंग सुधार के से रिलेटेड नहीं है, बैंकिंग सुधार में नहीं आता है ना। इनमें से कौन सा एक है जो बैंकिंग सुधार से रिलेटेड नहीं है या बैंकिंग सुधार में जो नहीं आता, वो कौन सा है वो आपको बताना। SLR दो बार आने वाला कुछ में, एक CRR के साथ SLR है ना, और एक इनहेंस्ड SLR, दोनों है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है आपका डी, वर्धित या इनहेंस्ड SLR। आगे देखो, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, 17.23%, 18.5%, 21.54% और 20.67%। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है वो बताना, बता जरा।
अगर परसेंटेज वगैरह हम देखें, पॉइंट वगैरह सब में एक्यूरेट देखें तो कितना वन क्षेत्र जो कवर है, वन क्षेत्र जो कवर है वो कितना है, वो है आपका 21.53। लगभग में देखे ना, कई बार लगभग में क्वेश्चन आता है ये, तो लगभग में हो जाएगा आपका 23%। कितना? 23%। ठीक, आगे फ्रिंदा ब्लैंक्स केंद्रीय प्रक्रमण इकाई और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है सीपीयू और एक जो आपकी मेन मेमोरी होती है रैम है ना, उसके बीच में क्या एक बफर के रूप में काम करता है वो पूछ रहा है ना। आप प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी, कैश स्मृति कैसे मेमोरी, माध्यमिक स्मृति सेकेंडरी मेमोरी और यादृच्छिक अभिगम स्मृति यानी कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, पूछ रहा है जो मेन मेमोरी है ना कंप्यूटर की वो, और उसके बीच मतलब एक तरह से मुख्य जो मेमोरी है या जो प्रोसेसिंग होता है जहां एक्सेस वगैरह होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM है ना वो, और सीपीयू, इनके बीच अगर बफर के बारे में बात की जाए ना, बफर का काम करता है कैश। जैसे आप कभी वेबसाइट वगैरह चलाते तो उनके जो कैश वगैरह जो होते हैं ना वो आपके मतलब लैपटॉप में आ जाते हैं, मतलब जो भी आप साइट करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाते हैं एक तरह से ये करो, या जब आप कोई ऐप चलाते हो या कभी फोन वगैरह चलाते होगे ना, तो कभी आप जब अपना फोन फॉर्मेट कर रहे हो, फॉर्मेट तो नहीं कहूंगा मतलब जब आप जो है उसमें स्पेस कम कर रहे हो, तो जब भी आप उसे चेक करते हो तो उसमें लिखा आता है कि क्या आप कैश मेमोरी डिलीट करना चाहते हैं है ना, तो आप कर देते हो यस की करना ही है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसे ऐसा मानो जैसे कोई आप ऐप ऑन करते हो, जैसे किसी ऐप को अगर आप किसी ऐप में अंदर जाओगे वहां अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो आप जब उसे स्टार्ट करोगे ना दोबारा तो वो प्रॉपर फिर से शुरू होगा है ना, टाइम लेगा थोड़ा सा क्योंकि वही मेमोरी जो आपने उसकी डिलीट कर दी वो फिर से उस मेमोरी को क्रिएट करेगा और फिर फोन चलेगा या वो ऐप चलेगा ऐसा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में फिरिंदा ब्लैंक सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया, इनमें से किस एक चीज को और सुधारने के लिए इन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ क्या किया है, इसके साथ जो है एक तरह से कहते हैं क्या बोल दूं मैं से क्या कहूं मैं से मतलब उस मंत्रालय के साथ मिलकर है ना उसके कॉपरेशन से इनमें से जो है कौन सा एक शुरू किया है वो पूछ रहा है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा, सड़क शिक्षा या सबके लिए बिजली, इन चारों में से किस एक में सुधार के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो है समझो उनके उनके कॉपरेशन में ये स्टार्ट किया गया है ना, बताओ जरा कौन सा एक है। ये हो जाएगा आपका विद्यालय शिक्षा, क्या हो जाएगा विद्यालय शिक्षा। आगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी है ना, उत्तर प्रदेश में कौन सी एक जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध जो है उसका जन्म उनका जन्म कब हुआ, उनकी जन्म हुआ कहां, उनकी मृत्यु कहां हुई, यह आपको कमेंट में लिखना है। कुशीनगर संकिसा सारनाथ श्रावस्ती, बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन फिलिंदा ब्लैंक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज मेथोडोलॉजी है ना, बताओ जरा जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कार्य विधि की नींव रखी, मतलब वहां से जो है उन्होंने अपना कार्य जो उपदेश देने का कार्य था उसे प्रारंभ किया। ठीक, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा तो याद रखना इसके लिए सही जवाब हो जाएगा उन्होंने पहला उपदेश जो है यह दिया है सारनाथ में, कहां पर पहला उपदेश इन्होंने दिया है सारनाथ में, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, बोधगया कहां पर है यह है बिहार में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में क्या हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश जो है वो इनके द्वारा कहां दिए गए जरा बताओगे, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए हैं। ठीक, जनवरी 1858 में कैनिंग फिलिंदा ब्लैंक्स तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया।
अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, त्रावणकोर। इन जनवरी 1858 कैनिंग मूव्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड लेफ्ट द दिल्ली डिवीजन एंड फॉर्म द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। बताओ जरा कहां पर गए थे ये, जहां जो है इन्होंने उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है इसका गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपका दसवां। ठीक, दिल्ली छोड़कर चले गए थे जब ये 1858 में जब विद्रोह समाप्त हो गया उसके बाद। हाँ, कहां चले गए थे ये, चले गए थे इलाहाबाद। कहां? इलाहाबाद। ठीक, आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। कब? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इनमें से कौन सा एक समय है जब लगभग 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया? पहले उसे बोलते थे उत्तरांचल, फिर हो गया उत्तराखंड। बताओ जरा कब? 7 दिसंबर 1999, 9 नवंबर 2000, 23 अक्टूबर 2000, 4 मार्च 2000। ऑन फिल इन द ब्लैंक्स अ न्यू स्टेट नेम्ड उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द हिमालयन हिल रीजन टू उत्तर प्रदेश ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 11। ठीक, बताओ जरा क्या हो जाएगा, कब उत्तराखंड बना है, है ना? उत्तरांचल या उत्तराखंड जो है ये कब अस्तित्व में आया है वो बताना। सही, क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 9 नवंबर 2000। अक्टूबर कहां है इसमें, तुमको अक्टूबर कहां दिख गया इसमें? ऑप्शन में है कहीं 9 अक्टूबर? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें ही दिख रहा है बस। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इन चारों में से कौन सा एक लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है? ठीक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। मतलब 108 लैंप जो है वो रखते हैं सिर पर, और फिर उसको सिर पर रखने के बाद नृत्य किया जाता है। यह कौन सा है वो बताओ। ठीक, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि चरकुला। कौन सा नृत्य है? नृत्य का नाम है चरकुला। ठीक, आगे देखो, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख फिल इन द ब्लैंक्स उत्पादकों में से एक है। लकड़ी, कॉफी, गन्ना, चमड़ा। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मेजर फिल इन द ब्लैंक्स प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख, इनमें से क्या एक है जिसका उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है प्रमुख रूप से करता है ना? इनमें से किसका उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है प्रमुख रूप से करता है? हाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका गन्ना। सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश जो करता है इनमें, किसका करता है? गन्ने का करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व किसका है? कितना है पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बाय सेंसस 2011 इट्स पॉपुलेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बताओ जरा कितना है? क्या है? ठीक, कितना है इसका? तो याद रखना, इसका जो जनघनत्व है ये है 829। कितना? 829, ये याद रखना। आगे, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा फिल इन द ब्लैंक संवर्धन नीति 2017 पेश की गई।
नीति में पर्यटन को भी बढ़ावा, जो नीति है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। यह पूछ रहा है कि जो रिक्त स्थान है इसकी जगह क्या आ जाएगा, सर्विस, विमानन, पर्यटन या व्यापार। जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर क्या होगा, तो जो लेके आई गई है वो है उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस संवर्धन नीति। उत्तर प्रदेश सिविल सिविल सर्विस संवर्धन नीति। आगे देखो, उत्तर प्रदेश राज्य के फिलिंदावलैंक्स का एक बड़ा आधार आईटी और आईटीईएम है ना, आईटी और आईटीईएम उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। जरा बताओगे क्या हो जाएगा, इन सब के लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कौशलपूर्ण आपका स्किल्ड वर्कर चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, और स्किल्ड वर्कर है इसीलिए ये जो है इनमें उत्तर प्रदेश ने उन्नति या तरक्की जो है वो की है। परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, माउस, स्कैनर, मुद्रक और मदरबोर्ड। पेरिफेरियल डिवाइस कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम टू एड फंक्शनैलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरियल डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो पेरिफेरियल डिवाइस नहीं है, बताओ। मतलब इन्हें अलग से जोड़ा जाता है ताकि कार्य कर सके, है ना, तो इनमें से एक वो बताओ जो अलग से नहीं जोड़ा जाता, मतलब उसमें इनबिल्ड होता है, मतलब उसके अंदर ही होता है, बाहर से नहीं जोड़ते, ठीक, पेरिफेरियल डिवाइस नहीं है वो, कौन सा एक है, कौन है, ठीक, कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। आगे, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है कौन सा, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है, हाइब्रिड डिजिटल एनालॉग कॉम्प्लेक्स। फिलिंदावलैंक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज जनरली यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 18, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 18, बताओ जरा इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे आम कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, हाइब्रिड डिजिटल एनालॉग या कॉम्प्लेक्स, ठीक, रिकॉर्डेड बैच नहीं चल रहा है, कौन सा, देखो उनका तो चल रहा है, वो कह रहे हैं उनका तो चल रहा है, आप कह रहे हो आपका नहीं चल रहा, हाँ ठीक, बढ़िया, चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर सबसे आम प्रकार के कंप्यूटर है, ये तो याद रहेगा ना कि डिजिटल कंप्यूटर सबसे आम प्रकार के कंप्यूटर है, इतना ही बहुत है, इतने में कर ला होगा आप काम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, इनमें से कौन सा एक उपाय नहीं है, है ना, जिसके द्वारा जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है ना, वो कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, फाइल्स या छवियां साझा करोगे, मतलब किसी के साथ, आप किसी के पास पेन ड्राइव लेके गए है ना, या जो भी सॉन्ग्स या फाइल्स वगैरह वो आप ले आए और अपने आप कंप्यूटर में लगाया, ये एक कारण है या ये एक हो सकता है कि वायरस जो है उनके कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में आ जाए, या आप अपने कंप्यूटर से लेके चले गए उनके कंप्यूटर में, तो ये वायरस का आदान प्रदान हो सकता है, या आपने अपनी पेन ड्राइव दूसरे में लगाई और उससे वायरस आपको जनरेट हो गया, वो एक कारण है, वो हो सकता है। प्रलेख और पीडीएफ, जो पीडीएफ है या प्रलेख है आपके, है ना, अब मतलब जो आर्टिकल्स हैं और जो पीडीएफ हैं, इनको अगर आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर करते हैं अपने, इसे कह सकते हैं स्टोर, अगर आप इन्हें स्टोर करते हैं अपने फोन में, तब ऐसा हो सकता है ना, तो क्या इससे वायरस बन सकता है, तो नहीं बन सकता, सही जवाब इसके लिए यही हो जाएगा। बेसिकली इतना पूछ रहा है कि कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में वायरस किस तरह से आ सकता है, कैसे वो आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है।
निशुल्क खेल टूल बॉक्स मीडिया प्लेयर और अन्य उपयोगिताओं को डाउनलोड करना, मतलब आप जहां पर नहीं जैसे कोई मूवी डाउनलोड करते हो फॉर फ्री, जब मूवी डाउनलोड करोगे तो उसके साथ वायरस भी डाउनलोड हो जाते हैं। यह एक तरीका है। स्पैम ईमेल और ईमेल को अगर आप खोल दे, कोई मेल आपके पास आया या कोई मैसेज आपके पास आया, आपने उसे ओपन किया, ओपन देखा, जब उसे देखा तो उसमें था कुछ नहीं, पर जब आपने उसे ओपन किया उसमें कुछ नहीं था, तो उसका जो वायरस जो भी उसने भेजा होगा वो आपके कंप्यूटर तक आ जाएगा। तो यह तीनों तरीके हैं जिससे आपके कंप्यूटर या आपके फोन में वायरस आ सकता है। पर पीडीएफ को अगर आप स्टोर कर रहे हैं, है ना, पीडीएफ वगैरह की अगर आप फाइल बना रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, है ना। आगे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी इनमें से किस दौरान आई है वो पूछ रहा है। टिक। ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सीन 1940, 56, 63, 72 और 57, 62, 1973 से प्रेजेंट वर्तमान तक। टिक। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक थे ये पूछ रहा है। बढ़िया, क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा 1963 से 72, इसके बीच में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ, तो तीसरी जनरेशन थी इसके कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ, द यूज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन द ईयर 1940, 56, 63, 72, 57, 62, 1973 से आपका वर्तमान तक, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1963 से 72 के बीच में तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर आपको देखने को मिले। आगे, लखनऊ में फ्रिंदावलंग क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया, इनमें से कौन सा एक केंद्र है जो इसलिए स्थापित किया गया है ताकि जो कलाकार है वो उनको सुविधाएं दी जा सके, है ना। और किस किस विषय के कलाकारों को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कलाकार, या जो चित्रकार हैं वो कलाकार, प्रिंट मेकिंग वाले जो कलाकार हैं वो, मूर्तिकला बनाते हैं वो, या क्षेत्रीय केंद्रों से संबंधित जो कलाकार हैं उन्हें, उनको जो है क्या है, उनको सुविधाएं प्रदान की जा सके, इसके लिए इनमें से किस एक को बनाया गया है वो बताना, स्थापित किया गया इनमें से किस एक को, जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वस्तुकला या कोरी कला, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ललित कला अकादमी। ठीक, याद रखना एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितने में, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नोट्स है आपके पास, लाइव क्लास है, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन, 1 नवंबर से यह स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखना। सिपाही बैच है यूपी पुलिस के लिए, राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए, महावीर बैच है बिहार पुलिस के लिए, शक्ति बैच है आपका सीपीओ एसआई के लिए। क्वेश्चन आपका 23, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में फ्रिंदावलंग क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इनमें से किस प्रकार के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए बीसीसीआई ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अ लेटर ऑफ इंटेंट हैज बीन साइंड विद किसके साथ, विद यूएन, यूएन के साथ किया है, और नीचे अंग्रेजी गलत लिखी है, किस प्रकार के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, यूएन एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रकृति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, प्रकृति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो मतलब हरे क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मतलब जो क्रिकेट है उसमें ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि, या एक तरह से ना लोगों को जागरूक किया जाएगा उसके जरिए कि पेड़ पौधे जो हैं उन्हें लगाओ, उन्हें काटो मत, अपने पर्यावरण का ध्यान रखो, ऐसा। ठीक, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 और अप्रैल 1921। आज सत्याग्रह सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी, बढ़िया,
क्या हो जाएगा? तो याद रखना यह फरवरी 1919 में कब स्थापित की थी उन्होंने, इन्होंने स्थापित की थी फरवरी 1919। आगे फ्रीडम लेंस भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। फिलिंदा ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में राजनीतिक सुधारों को शुरू करने वाले, राजनीतिक सुधार जो है उनके अग्रणी इनमें से कौन है वो पूछ रहा है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, डेट बताओ कि कौन सा डेट है उस दिन, वो तारीख कौन सी है जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मेरा होगा सर 12:30 से 1:30 के बीच। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता भी जो है इन्हें कहा जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहते हैं। याद रख। अच्छा, इनके द्वारा दो संगठन बनाए गए थे, कौन कौन से हैं जरा बताओगे? 13 अप्रैल, बिल्कुल ठीक है। इनके द्वारा दो संगठन बनाए गए थे, उन संगठन का नाम क्या है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना। बढ़िया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चैवलियर डी एल आड्रे एस आर्ट्स एंड डेस लिटरेस से सम्मानित किया गया है। मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, गलती से यहां आ गया, इसे छोड़ो। वैसे इसका अगर सही जवाब जानना है कि इसका सही जवाब क्या है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कल की कोचलित, पर ये पुराना है तो इसे रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में, फ्रीडमलैंड्स में हुई। कहां पर? आपका दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या मद्रास। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास कहां पर हुई है बताओ। आर्य समाज 1828 है ना कि 1928। एक उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जरा बताओगे कब? सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने 1828 में, और जो 1815 है उसमें की थी उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। सही है ना? क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 2, बंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? इसकी जो स्थापना है ये हुई है बंबई में, ये याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1917 का फ्रीडमलैंड सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। पूछ रहा है कब यह हुआ था सत्याग्रह, मतलब कहां पर हुआ था, किस नाम से इसे जानते हैं? खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। फ्रीडमलैंड सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी एंड वाज अ मेजर रिबेलियन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बताओ जरा कहां पर हुआ था ये 1917। बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका चंपारण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंपारण, याद रखना। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ है, भारत छोड़ो ये हुआ है 1942 में, नागरिक अवज्ञा है आपके 1930 का, सविनय अवज्ञा जिसे बोलते हैं, नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा 1930 का है, ठीक।
भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, बस ये बताओ इनमें से कौन है, बाकी के किसके बराबर गोल किए या क्या नहीं किए वो बात की बात है, बस ये पूछ रहा भारतीय टीम के फुटबॉल जो है आप फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है, सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया और गुरप्रीत सिंह, इनमें से कौन है किसके भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन। बढ़िया, हाँ सही, क्या हो जाएगा तो याद रखना, ये हो जाएगा आपका बी यानी सुनील छेत्री, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि सुनील छेत्री, ये याद रखना। आगे 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन का गठन किया, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें जो आपको कंफ्यूज करने के लिए, पूछ बस इतना रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका आयोजन या इसका गठन इनमें से किसने किया, बस इतना बताओ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया। ठीक, किसने, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे दादा भाई नेहरू जी। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा फिल इन द ब्लैंक से अधिक है, पूछ रहा है कि जो कपास उत्पादन है इनमें से मतलब कितना हिस्सा भारत का या इससे अधिक हिस्सा जो है वो भारत कंट्रीब्यूट करता है कपास उत्पादन में पूरे विश्व का। ठीक, एक तिहाई, एक पांचवा, आधा, एक चौथाई। इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन इज मोर देन, किससे अधिक है। ठीक, सही, क्या हो जाएगा इसके लिए, यह हो जाएगा आपका एक तिहाई, एक तिहाई से अधिक, मोर देन वन थर्ड। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितना है, जो जीडीपी है उसमें जो कृषि का योगदान है वो कितना है, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान जो है वो कितना है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितना है, उनके लिए है जिन्होंने वीडियो कोर्स लिया है फौजी का, फौजी बैच का वीडियो कोर्स जिन्होंने लिया है ना उनके लिए वो उस वो ऑटोमेटिकली उसमें एनरोल है ऐसा मानो। क्या हो जाएगा तो याद रखना ये हो जाएगा 15%, कितना अप्रोक्सीमेटली 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी और मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, पूछ रहा है इनमें से कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका इनमें से कौन सा एक दोष नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक, एक गलती या एक दोष। बहुत अच्छे, सही, क्या हो जाएगा तो याद रखना, देखो भंडारण की सुविधा की कमी है ये अपने आप में ऑलरेडी एक कमी है, विपणन विपणन दोष है। ठीक है, परिवहन की कमी ये भी दोष है, अनुकूल मंडी ये दोष नहीं है,
लेकिन अगर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, ये एक दोष है, ये एक दोष है, ये और ये तीनों क्या है, ये तीनों दोष है, ठीक है। अनुकूल मंडी इसका दोष नहीं है। आगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है वह 8 राज्यों के साथ सीमा लगाता है और 1 यूटी के साथ सीमा लगाता है। इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगाता, इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगाता है, बताओ। बढ़िया, ठीक, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बी यानी कि उड़ीसा, है ना। फ्रिंदमलंग झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या भारत की सबसे बड़ी झील भी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और बल्कि भारत की सबसे बड़ी झील है, दोनों है, कौन सा, डल, चिल्का, बुलर और डिंडवाना। फ्रिंदमलंग लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी चिल्का, खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी झील है भारत की, लैगून बोलते हैं इसे, है ना। फ्रिंदमलंग मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है भारत में, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। त्योहार वगैरह के लिए मैं करा दूंगा क्वेश्चन, फिलहाल अभी जिस पर हो उस पर तो ध्यान दे लो, तुम्हारे साथ बड़ी समस्या है, जिसके साथ तुम हो, जहां सामने जो चीज है उसे छोड़कर सारी दुनिया में तुम्हारी नजर है ना, कि ये करा दो वो करा दो वहां चले जाओ ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये नहीं करोगे, जो आंखों के सामने है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा, जो सामने है वो नहीं, जो होने वाला है उसकी बड़ी चिंता है तुमको, ये भी तो जरूरी है, ये भी तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही, ये किसने कह दिया कि ये नहीं आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसके लिए, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका जलोढ़, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका जलोढ़ यानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक। आगे, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा शहर है जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, मुंबई, कोलकाता, कोची, जमशेदपुर, विच सिटी इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी सिटी है जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या पूछ रहा है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इनमें से जानते हैं जमशेदपुर को, किसको, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, देयर आर फ्रिंदमलंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया 17, 12, 9 और 7, भारत में फ्रिंदमलंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बताओ जरा। है ना, कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अगर देखा जाए तो ये हैं 17, संख्या कितनी है भारत में, भारत में इनकी संख्या है 17। आगे, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम फ्रिंदमलंग किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, एक ट्रेन है जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस, इसकी स्पीड कितनी है वो पूछ रहा है, ठीक। गतिमान एक्सप्रेस इज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन दैट रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्रिंदमलंग किलोमीटर पर आवर 120, 140, 130 और 160। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन, बता जरा। क्या हो जाएगा,
इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आर। कितनी? 160 किलोमीटर पर आर। आगे, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती हुई नदी नहीं है, जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? नर्मदा, साबरमती, लूनी और कृष्णा। विच ऑफ दीज रिवर इज नॉट बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी एक नदी नहीं है? ठीक, सही क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती कहां से है? तो याद रखना, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जो है ये नदी निकलती है, ये याद रखना, ठीक है? और ये पूर्व की ओर बहती है, ना कि पश्चिम की ओर, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। बाकी ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, बल्कि ये तो कच्छ के रण में लुप्त भी हो जाती है। कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है, लूनी नदी, ठीक? चलो, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्लास को लाइक, दो तीन और क्वेश्चन चलो कर ही देते, दो तीन क्वेश्चन रह गए उन्हें और कर लो, ठीक है? भारत में लगभग फिलिंग प्रमुख बंदरगाह है। भारत में बंदरगाह कितने? भारत में प्रमुख बंदरगाह जो है वो कितने हैं वो आपको बताना है। बताओ बंदरगाह कितने हैं, ठीक? बंदरगाह कितने हैं? तो याद रखना, बंदरगाह जो भारत में प्रमुख हैं ये हैं 12। कितने? 12 बंदरगाह प्रमुख हैं भारत में। आगे देखो, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा फिल्म ब्लैंक अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया? लागू किया गया, अपनाया कब गया? अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। और यही वजह है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यह याद रखना। आगे, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस इनमें से किस दिन मनाते हैं? पंचायती दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है वो पूछ रहा। हर साल पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्या तारीख है जिस दिन पंचायती दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। किसको? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? आगे देखो, याद रखना है एसएससी जीडी 2023 के लिए आपके पास फौजी बैच है, 1 नवंबर से लाइव हो गया है। 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कितने में? 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास है आपको, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आज सिपाही बैच है आपका यूपी पुलिस के लिए, राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए, महावीर बैच है बिहार पुलिस के लिए, शक्ति बैच है आपका सीपीओ एसआई के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से टिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है, इसे जो है ज्वाइन भी कर लेना है, जिससे कि जो भी क्लास से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ये आपके चैनल यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसे आपको शेयर और लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। पेन पेपर लेकर बैठो, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लो। ये है आपके अपने ऐप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का ऐप है ये। इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, प्ले स्टोर पर जाके, जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।
आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।